दोस्तों, आज की इस वीडियो में आयुष्मान कार्ड के बारे में बताने वाला हूं। आयुष्मान कार्ड के तहत अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होता है, तो आप यहां पर 5 लाख तक इलाज जो है आप फ्री में करा सकते हैं। कार्ड आप कैसे बना पाएंगे, सब सारा प्रोसेस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। इस कार्ड में एक भी रुपये आपका चार्ज नहीं लगता है, टोटली फ्री बनता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कार्ड बनाया जाता है, आयुष्मान कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे क्या करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, फुल प्रोसेस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करके अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ओटीपी पर आप आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कैप्चा कोड फिलअप करके लॉग इन हो जाना है। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका आयुष्मान भारत, यहाँ पर आपको अपना सिलेक्ट करना है PMJAY। उसके बाद यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको PMJAY सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां से आपका अपना सर्च बार पर अपना फैमिली आईडी से सर्च करना चाहते हैं, आधार कार्ड या लोकेशन रूलर से या फिर PMJAY से, किसी भी जिससे भी आपको ढूंढना हो आप यहां से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक यहां पर मैं आधार नंबर से सिलेक्ट करना चाहता हूं, ढूंढना चाहता हूं, तो यहां पर मैं आधार नंबर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको जिससे भी ढूंढने में आसानी हो आप यहां से अपना ढूंढ सकते हैं, आप लोकेशन बाय भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे आसानी हो आप वैसे ढूंढ लीजिएगा। तो यहां पर मैं आधार नंबर डालूंगा, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, तो यहां पर मैच होकर आ जाएगा। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर फैमिली की डिटेल सारे आ गई है, यहाँ पर जितने भी आधार कार्ड से लिंक हैं सारे की फैमिली आईडी भी आ चुकी है, और यहाँ पर देखेंगे फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे का यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट खुलकर ओपन हो चुकी है, फैमिली आईडी का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, उसके बाद फैमिली डिटेल देखने को मिल जाएगा, एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फैमिली में जितने लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बना है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे उसके आगे अप्रूव्ड लिखा, जिससे इसमें 2 लोगों का बना है तो अप्रूव्ड यहाँ पर लिखा गया, जिससे यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और जिसका नहीं बना है यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर वाले जितने भी हैं नाट दिखा रहा है। ठीक है, तो जिसका नहीं बना है तो यहाँ पर आपको कंसेंट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर उसका आधार नंबर रहेगा वेरीफाई करने के लिए, यहाँ पर सिंपल आपको वेरीफाई करना होगा, कंसेंट देना होगा। उसके बाद यहाँ पर अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैसे आपको यहाँ पर लॉगिन करना, आधार OTP से, आधार फिंगरप्रिंट से या फिर आधार आयरिस से, तो यहाँ पर मैं सिंपल आधार OTP से क्लिक कर लेता हूँ। तो उस पर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी एक OTP जाएगा जिससे आप लॉगिन किए। उसके बाद आधार नंबर पर जिस भी आधार कार्ड से जो लॉगिन लिंक है उस पर भी एक OTP जाएगा, दोनों पे OTP जाएगा, सिंपल OTP डाल देंगे। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आप सिंपल लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप फिर से KYC करना होगा, तो यहाँ पर आधार OTP पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा। लाइक यहाँ पर मैं आधार OTP पर क्लिक करा, वेरीफाई पर क्लिक करा, कंसेंट देना। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको अलाउ पर क्लिक करना है, फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उसके बाद बेनिफिशियरी जिससे मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया उस पर OTP जाएगा, दोनों OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाएगा, आपका यहाँ पर स्कोर आ जाएगा। ये अगर स्कोर आपका 80% से ऊपर है, मैच होता है 80% से ऊपर है, तो यहाँ पर आपका तुरंत कार्ड बन जाएगा। अगर आप 80% से नीचे रहता है तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम आपका लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा 80% से ऊपर है, तो यहाँ पर मैं तुरंत ही इसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा 82.29% है, तो यहाँ पर मैं तुरंत इसे अप्रूव कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिंपल एक फ़ोटो अपनी अपलोड करनी होगी, तो कैप्चर फोटो पर आपको सिंपल क्लिक करके यहाँ से आपको अपनी फ़ोटो को कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो आ जाएगी। अगर फोटो आपकी सही है तो कन्फर्म करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अगर आप फिर से फोटो लेना चाहते हैं तो न्यू पिक्चर पर क्लिक करके फिर से फोटो लेकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, अपना जिस ईयर में आपका जन्म हुआ है डेट ऑफ बर्थ को उसको डाल देना। ठीक है, OTP आपका मोबाइल नंबर पर आएगा उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से अपना फैमिली जो हेड है उससे क्या रिलेशन है यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपका रूरल एरिया डाल देना है, सब डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, विलेज डाल के यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं KYC आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे गाइस ओके पर क्लिक करेंगे, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बन के अप्रूव्ड हो चुका है। अब इसे यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, मुश्किल से 5 मिनट, उसके बाद यहाँ से आपका आयुष्मान कार्ड जो है तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है सारा कुछ डिटेल में। फिर से एक बार यहाँ पर लाइक यहाँ पर मैं फिर दूसरे का यहाँ पर करता हूँ, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे KYC डिटेल आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे वेरीफाइड अप्रूव्ड दिखा रहा है, तो सेम इसी प्रकार आपको करना है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से पूरा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं इस पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से वेरीफाई करना है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पर आपको करना है, उसके बाद अलाउ पर करना है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे आधार OTP, उसके बाद यहाँ से आपका कैप्चा कोड आ जाएगा पूरा,
जो भी ओटीपी रहता है ओटीपी यहाँ पर डाल के ऑथेंटिकेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर खुलकर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर पाएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल जो भी डाउनलोड करना है उस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, फिर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सक्सेसफुली आपका जो भी आयुष्मान कार्ड है डाउनलोड हो चुके हैं। यहाँ पर आप 5 लाख तक का मुफ्त उपचार यहाँ पर करा पाएंगे, ठीक है, साल में। तो यहाँ पर हर साल आपको 5 लाख का मुफ्त मिलेगा। उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जितने भी इस पर सुविधाएं है सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पहले दिन से ही जितने पुराने मौजूद जितने भी आपके अंदर बीमारियाँ सारे पहले दिन से ही कवर होने वाली हैं, ठीक है। पूरा यहाँ पर भारत के किसी भी लिस्टबद्ध जो हॉस्पिटल होगा जो भी लिस्टेड होगा सभी में आप अपना उपचार करा पाएंगे। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना जो भी आयुष्मान कार्ड है उसे डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। बाकी जिसका नहीं बना है आधार कार्ड कैसे नया नाम जो है ऐड करना है वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको लोग वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आए सबसे पहले आप सभी लोगों के पास हमेशा पहुंचते रहे। मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।